सुरक्षा बलों ने यह दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में इस समय 144 आतंकी सक्रिय हैं। इन सक्रिय आतंकवादियों में से 82 पाकिस्तानी मूल के हैं जबकि 62 स्थानीय आतंकी हैं। दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। ये जो मैंने फिगर बताई है, इसी के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक और बात बताई है कि सबसे ज्यादा जो भारतीय सेना आतंकवादियों का शिकार करती है वो महीना होता है जून का। 2 साल बाद इस वर्ष होने वाली अमरनाथ यात्रा में पाकिस्तान और पाकिस्तानी समर्थित आतंकी खलल डालने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षा बलों ने भी पाकिस्तान की इस नापाक साजिश को जवाब देने के लिए कमर कस ली है और सुरक्षा बलों ने इस साल कई आतंकियों को मौत के घाट भी उतारा है और जिनमें से सबसे अधिक जून में मारे गए हैं। इस साल की अमरनाथ यात्रा को अपना टारगेट करने के लिए पाकिस्तान ने न केवल सीमापार से आतंकवादी भेजे हैं बल्कि इन आतंकवादियों को हमला करने के लिए ड्रोन के जरिए सीमा पार से हथियार और बम भी भेजे हैं। पाकिस्तान की हर संभव कोशिश रही है कि साल की अमरनाथ यात्रा में कोई बड़ी गड़बड़ी फैलाई जाए। और मैं आपको बता दूं कि जो उदयपुर से 2 देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त लोग पकड़े गए हैं, उनका भी यही कहना था कि उनकी साजिश कुछ बड़ा करने की थी, देश में कुछ बड़ा करने की थी। सुरक्षा बलों ने भी पाकिस्तान की चुनौती को कड़ा जवाब देने की ठान ली है। सुरक्षा एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने इस साल 121 आतंकियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने आतंक के खिलाफ अपनी कार्रवाई में जनवरी में 20, फरवरी में 7, मार्च में 13, अप्रैल में 24 और मई में 27 आतंकवादियों को ढेर किया है, जबकि जून में सबसे अधिक 30 आतंकवादियों को मार गिराया है। और लगभग हर साल जून में आतंकवादी गतिविधियां अचानक से एक्टिव हो जाती हैं और फिर भारतीय सेना को उन्हें निशाना बनाना पड़ता है। पाकिस्तान इस साल अब तक 59 नए युवकों को आतंकवाद की भर्ती में झोंक चुका है। कश्मीर घाटी में आतंक को हवा देने के लिए पाकिस्तान ने 2018 में 187, 2019 में 121 और 2020 में 181 और 2021 में 142 युवकों को आतंकी भर्ती में झोंका है। वहीं सुरक्षा बल ये भी दावा करते हैं कि इस साल अब तक जम्मू कश्मीर में 194 आतंकवादियों को गिरफ्तार भी किया है, जो कि एक बड़ा नंबर है। अच्छा, ये भी दावा है कि जम्मू कश्मीर में इस समय 144 आतंकी सक्रिय हैं। इन सक्रिय आतंकवादियों में से 82 पाकिस्तानी मूल के हैं जबकि 62 स्थानीय आतंकवादी हैं। वहीं अगर आंकड़ों पर गौर किया जाए तो पिछले साल सुरक्षा बलों ने 180 आतंकवादियों को मार गिराया था और 311 को गिरफ्तार किया था। चूंकि इस समय देश में कई ऐसी घटनाएं भी हो रही हैं जो ये संकेत देती हैं कि आतंकवादी गतिविधियां कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हैं, इसलिए सरकार भी उसी तरीके से अपनी पॉलिसी बना रही है। जैसा कि आज अमरनाथ यात्रियों को थोड़ा सा डाइवर्जन दिया है, थोड़ा सा रोका है, इसी तरीके से अब जो 2 लोग उदयपुर से गिरफ्तार हुए हैं उनको कड़ी पूछताछ की जा रही है और उनसे हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं कि उनको पाकिस्तान में बैठे उनके आका क्या क्या उनसे करवा रहे थे। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो देश में बैठ करके देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक आतंकवादी है। तो दोस्तों, आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी और
अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। फिलहाल इतना ही दोस्तों, मैं आपसे फिर मिलूंगी किसी और कहानी के साथ, किसी और खबर के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।